Hello students, welcome to the mathematics with Ayaz Taafi in the channel of YouTube Ayaz Uli Official. आज जो हम बात करेंगे last part of real and complex number, जिसमें absolute value, polar coordinates and DMT, DeMorgan's theorems के बारे में बात करेंगे. ये इतने अहम तरीन टॉपिक हैं जो DMT है वो और polar coordinates are not present. Polar coordinate is some concept of polar coordinate is present, but DMT rule is not present. So इन्हें आपने बड़े गौर से समझना है. ये क्या हैं, इनसे MCQs कैसे बनते हैं, वेरी डेली वी विल डिस्कस. और लास्ट ऑफ वीडियो में एज यूजुअल MCQs वुड बी एडेड, जस्ट सॉल्व देम. सो चलें आए देखते हैं कि ये सबसे पहले मॉडुलस एब्सोल्यूट क्या होता है. बच्चों, मॉडुलस इन एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, इसकी डेफिनेशन है जिसे आपको गौर समझना चाहिए. द मॉडुलस ऑफ जेड, द मॉडुलस ऑफ जेड, जेड का मॉडुलस व्हिच इज इक्वल्स टू, वी ऑफनली से ए कामा बी आर इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा ऑफ बी. ठीक है, इसे किसे डोनेट किया जाता है, डिनोटेड बाय जेड मॉड, उसे डोनेट किया जाता है जिसे हम इसका क्या लेते हैं, स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर एंड इट्स रेडिकल, जो बराबर इसके होता है. इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है. अच्छा, अगर ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है तो हम इसे और भी तरीकों से डोनेट कर सकते हैं कि जेड मॉडुलस इज इक्वल्स टू जेड इनटू द जेड कॉन्जुगेट ऑफ रेडिकल. मस्ट रिमेंबर, हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जेड इफ फॉर दिस पॉइंट, इफ मैं जेड इज इक्वल्स टू ए ऑफ आयोटा प्लस आयोटा ऑफ बी लेता हूँ, देन जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए ऑफ माइनस आयोटा ऑफ बी. अगर मैं इन्हें मॉडुलस के फॉर्म में रखूँ तो z का वैल्यू a प्लस आयोटा ऑफ b एंड इन टू द z कॉन्जुगेट का वैल्यू a ऑफ आयोटा b. अगर मैं इसका रेडिकल ओपन करूं या फिर इसे मल्टीप्लीकेशन करूं, आई वुड गेट a प्लस ए स्क्वायर एंड b स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं. चले हम एक एग्जांपल दे देते हैं. इफ z is equals to 3 plus 4 of iota, ये इसके इक्वल है, then z mod is equals to what. दो तरीके करने के हैं, एक आप फार्मूला में रखें डायरेक्टली या फिर आप इस फॉर्म से करें. भाई ए ऑप्शन अगर मैं दे दूं 25, बी ऑप्शन दे दूं माइनस 25, सी ऑप्शन दे दूं माइनस 16 एंड डी ऑप्शन दे दूं जस्ट 16. मस्ट रिमेंबर, अब मैं यहाँ से इसका ऑप्शन होगा क्या, इसका ऑप्शन तो ये होगा लेकिन किस लिहाज से, याद रखिए यहाँ पर आप लोगों के पास इट इज़ ए एंड इट इज़ द बी. मस्ट रिमेंबर, आप इसे फार्मूला के लिहाज से सॉल्व करें, जेड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल. ए इज अ 3 स्क्वायर एंड अ 4 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू 25 एंड 9 एंड 16 25 व्हिच इज इक्वल्स टू 5. इट मींस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ जेड मींस आवर मॉडुलस इज इक्वल्स टू 5. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन अबाउट द मॉडुलस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती हैं जो आपके एमसीक्यूस इनसे आ सकती हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट, याद रखिए कि जेड अगर मॉड बराबर होता है हमेशा माइनस ऑफ जेड मॉड के। बच्चे सवाल पूछेंगे कैसे, हम इसका एग्जांपल दे देते हैं। लेट जेड इज इक्वल्स टू, मैं सेम उठाता हूँ, 3+4 ऑफ आयोटा। तो हम लोगों ने इसका मॉड पहले निकाल रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं माइनस, तो दिस कुड बी माइनस ऑफ जेड एंड माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 ऑफ आयोटा। तो इसका मैं अगर मॉड निकालना चाहूं तो दिस इज नथिंग बट इट इज ए एंड इट इज अ बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, फार्मूला के मुताबिक अब यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। इसका अगर मैं मॉड निकालना चाहूँ तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू अगेन 5। इट मीन्स दिस पॉइंट इज होली सोली करेक्ट। अगर आप को ये पॉइंट कभी आ जाए तो आप लोगों ने ये जहन में बात रख देनी है। अच्छा, अब चलते हैं कि दूसरी नंबर पॉइंट इसी के लिहाज से कि जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें आप। ठीक है, आ माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें। सेम ये एग्जांपल ले लें आप, मैंने एक करवाया है। कॉन्जुगेट का मकसद कुछ नहीं, उसकी साइन चेंज करना है। ठीक है, तो इट कैन बी डन बाय यू पीपल। इसका एमसीक्यूज का क्या आ सकता है, एग्जांपल लेट जेड इज इक्वल्स टू 3+4 आयोटा। मैं वो एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 आयोटा एंड जेड कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस इज इक्वल्स टू 5, देन माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू व्हाट। याद रहे कि अगर मैं यहाँ पर ए का ऑप्शन दे दूँ आपको 5, बी का ऑप्शन दे दूँ -4, सी का ऑप्शन दे दूँ -5 एंड डी का ऑप्शन दे दूँ जस्ट 4, आप लोगों ने दिमाग में बात रखी है इट कुड बी ओनली एंड ओनली व्हाट 5, क्योंकि जेड कॉन्जुगेट का माइनस वाले का हम पहले निकाल के हैं 5 होगा, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। अगर इसका आंसर 5 है इसका भी सेम होगा अकॉर्डिंग टू अबव पॉइंट। चलें बेटा आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखी थी कि जेड का मॉडुलस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जेड इंटू द जेड कॉन्जुगेट। मैंने ये प्रूफ भी करवाया। सो अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिक, अगर मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूँ तो जेड मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर स्क्वायर रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस कुड बी दिस फॉर्म। इट मीन्स दिस कैन बी ओके बेटा। सो ये हमारा हो सकता है। तो यानी कि मैं इसकी बात कर रहा था, मैं पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। चलिए आए पॉइंट रिपीट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा। यहाँ पर एक बात थी जो मैं डिस्कस कर रहा था, भाई जेड का हम पहले ही ये पॉइंट डिस्कस करके आए हैं। क्या पॉइंट डिस्कस करके आए हैं, ये वाला। अगर मैं इसे स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूं तो ये मेरे पास यही होगा। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ जेड मॉडुलस, तो चलिए आए उसे डिस्कस करते हैं। दैट इज जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस। ये हमेशा या तो इक्वल होता है या फिर लेस हो जाता है, ये फिर लेस हो जाता है या फिर इक्वल हो जाता है जेड वन मॉडुलस के एंड प्लस जेड टू मॉडुलस के। सवाल पैदा होता है कैसे, आप एग्जांपल ले लें। एग्जांपल क्या करें, जेड वन बराबर ले लें आप 4+3 आयोटा एंड जेड टू ले लें आप 3+4 ऑफ आयोटा।
और इसे ऐड करने के बाद मॉडुलस निकालें और इसका अलग अलग से मॉडुलस निकालें, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आइडेंटिटी लेस देन होगी या जो है प्रूफ होगी। इफ जेड वन प्लस जेड टू आर इक्वल्स टू द जेड वन एंड प्लस जेड टू, इफ जब जेड वन बराबर होगा जेड टू के, याद रहे बात कि ये किसके इक्वल होगा, जेड टू के। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि रियल, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, एक रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इट्स मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमेशा किसके ग्रेटर लेस देन होता है, लेस देन सॉरी मैं ग्रेटर लिख, लेस देन आर इक्वल टू द जेड मॉडुलस। बिलफर्ज करें कैसा, लेट सपोज जेड इज इक्वल्स टू थ्री प्लस फाइव ऑफ आयोटा, अगर मैं इसका मॉडुलस लेना चाहूँ तो क्या होगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, और इसका अगर मैं ले लूं जेड मॉडुलस रेडिकल ले लूं ऐड करने के बाद 34, और दिस इज गोइंग टू बी 5 पॉइंट एंड समथिंग, ठीक है। लेकिन ये तो हमने ये मॉडुलस निकाला रियल पार्ट ऑफ और उसका मॉडुलस सिर्फ यही लेंगे, फिर इमेजिनरी कहाँ करें, इमेजिनरी की जगह हम जीरो रखेंगे क्योंकि इसने कहा था रियल पार्ट का मॉडुलस ले, तो जेड मॉड इज इक्वल्स टू थ्री का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड लेना है ओनली, तो इसका स्क्वायर करें नाइन, नाइन का रेडिकल निकालेंगे आप थ्री, इट इज अ थ्री, मीन्स रियल पार्ट ऑफ अ जेड इज इक्वल्स टू थ्री, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स थ्री। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट समझ आई कि थ्री इज लेस देन आर इक्वल टू द फाइव पॉइंट एंड समथिंग, तो हमें इस पॉइंट को हमने वेरीफाई किया। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हैं जेड की, अब आगे की तरफ आते हैं और फिर वो क्या होते हैं, चलिए आए डिस्कस करते हैं। मॉडुलस ऑफ द नंबर्स मस्ट रिमेंबर, और वो क्या है, हमने रियल की डिस्कस की और अब हम इमेजिनरी की डिस्कस करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस ये जो है ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू होता है जेड मॉडुलस के। सवाल पैदा होता है कैसे, तो हम कहेंगे लेट एग्जांपल z इज इक्वल्स टू फाइव प्लस फोर ऑफ आयोटा, फाइव प्लस फोर ऑफ आयोटा। अब सबसे पहले इसका z मॉडुलस निकालें, क्या होता है a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, यहाँ पर ये a है और ये b है, तो यानी कि z मॉडुलस इज इक्वल्स टू व्हाट इज ए, फाइव स्क्वायर एंड फोर का स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या होगा कि जेड मॉडुलस इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव एंड प्लस सिक्सटीन, सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फाइव अगर को हम इन दोनों को ऐड करें तो फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फाइव वुड बी फोर्टी एंड दिस वुड बी फोर्टी वन, सो फोर्टी वन होंगे और रेडिकल। अब 41 का मॉडुलस अगर मैं रेडिकल निकालना चाहूँ तो 6 पॉइंट एंड समथिंग आएगा, ठीक है। अब इसने कहा है कि मॉडुलस आप किसका लें, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, यानी कि सिर्फ इसका, ठीक है, यानी कि रियल की जगह अब मैं क्या रखूँ, जीरो रखूँ, तो हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, जीरो प्लस फोर आयोटा। अब इसका मैं मॉडुलस निकालना चाहूँ तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और इसका मॉडुलस होगा किसके इक्वल, फोर का स्क्वायर ले लें आप सिक्सटीन,
और 16 का आप रेडिकल लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू 4। आप देखिए ये इससे कम है, हेंस इट इज सेटिस्फाई दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द जेड। ये कभी बड़ा नहीं होगा मॉडुलस ऑफ जेड से। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया था 4 और इसका क्या आया था 6 point and something। तो ये ऑलवेज लेस दैन इक्वल होगा। मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट आपको जहन में बैठ गई होगी। कुछ पॉइंट और वो कौन सी पॉइंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने तहरीर करना चाहूँ तो वो दूसरी पॉइंट है इसकी कि आप अगर जेड वन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसका मॉडुलस मल्टीप्लाई कर दें जेड टू के साथ, या फिर आप जेड वन का मॉडुलस अलग से लें या फिर जेड टू का मॉडुलस अलग से लेके मल्टीप्लाई कर दें, डजंट इफेक्ट द क्वेश्चन, मस्ट रिमेंबर, ठीक है। आइन अगर पॉइंट इनके एग्जांपल्स में नहीं करवा रहा, आप एग्जांपल कर सकते हैं यहाँ तक। तो जेड वन को अगर मैं जेड टू से डिवाइड करूँ, कोई भी आप ले लें या फिर इसका मॉडुलस निकाल के जेड वन का मॉडुलस अलग से लें और जेड टू का मॉडुलस अलग से लें, देन इट कुड बी आल्सो इक्वल। अनदर पॉइंट, जेड वन माइनस जेड टू is always less than or equal to, ये less than or equal to हमारे पास क्या होता है जेड वन प्लस जेड टू, मस्ट रिमेंबर ये इससे कम ही होता है। तो हमने एक और पॉइंट डिस्कस की थी कि जेड वन इसे कहते हैं हम, अगर मैं जेड वन प्लस जेड टू is always less than or equal to z1 plus z, इसका मॉडुलस अलग से ले लें मॉडुलस एंड प्लस z2 का मॉडुलस, और ये कम होता है हमारा z1 एंड माइनस z2 का अलग अलग मॉडुलस ले लें। वी यूज टू कॉल दिस वन एज ट्राइंगल इनइक्वलिटी लॉ, ट्राइंगल इनइक्वलिटी लॉ। अब ये ब्रीफली आप लोगों ने क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि ट्राइंगल इनइक्वलिटी लॉ क्या होता है। इफ जेड इज इक्वल्स टू ए, जेड किसके इक्वल है हमारा ए के इक्वल है, मींस रियल नंबर, देन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू द, सिमिलरली अगर मैं कह दूं ए ही होगा। अब बच्चे कभी कभार कह देते हैं सर अगर आपने z इज इक्वल्स टू माइनस फाइव लिया तो मॉड ऑफ z क्या माइनस फाइव होगा? नहीं, जहन में रखिए, क्योंकि मॉड का मकसद, मॉडुलस का मकसद क्या है, आपने उस नंबर का स्क्वायर लेना है, ठीक है, विथ रियल एंड इमेजिनरी। इस तरीके से यहाँ पे अगर इमेजिनरी ना हो मैं बना सकता हूँ जीरो फाइव उठा दे के, ठीक है। तो यानी कि जेड ऑफ मॉड इज इक्वल्स टू, अब ये जीरो का फर्क नहीं पड़ता तो स्क्वायर से कैंसिल, पहले इसका स्क्वायर लेंगे, मस्ट रिमेंबर इसका क्या लेंगे स्क्वायर, ये काटना आपकी गलत बात होती है, तो स्क्वायर, तो यानी कि स्क्वायर लेंगे 25 और उसका फिर रेडिकल लेंगे दैट इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स कि इसका अगर वैल्यू ये है देन जेड मॉड इज इक्वल्स टू ऑफ 5। इसे हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ जेड इज इक्वल्स टू ए देन जेड मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। अगर मैं इसका एक एग्जांपल करवाऊँ तो जेड इज इक्वल्स टू ए माइनस 15 देन जेड का मॉड माइनस 15 लिख के मॉड दे दें आप। अब मॉड से जब कोई भी रियल नंबर निकलता है इट कुड बी ऑफ ओनली एंड ओनली पॉजिटिव नंबर, किस नंबर का होता है वो, पॉजिटिव नंबर का होता है। तो
अब ये चीज़ थी यहाँ पर। अब इसके नीचे अब जब आएंगे तो अगर यही चीज़ हमें इमेजिनरी में पूछी जाए कि अगर आप लोगों को मैं यही पॉइंट इमेजिनरी के फॉर्म में पूछूं तो आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं कि इफ जेड इज इक्वल्स टू आयोटा ऑफ बी, बी इज एनी नंबर, देन जेड का मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा? बी के मॉड्यूलस के इक्वल होगा। क्या हो गया भाई? अब आप सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जेड अगर आप लेट सपोज थ्री ऑफ आयोटा लेते हैं, देन आपको कहे मॉड्यूलस तो आप कहेंगे माइनस थ्री ऑफ आयोटा ले ली, मैं माइनस में किस पर हम पॉजिटिव तो आपको आ जाएगा। तो इसका मकसद आप जस्ट बी की जगह क्या है, थ्री आयोटा बी या बी आयोटा, अब थ्री है माइनस की तो माइनस के थ्री रखें मॉड्यूलस में, अब इसे निकालेंगे जस्ट क्या होगा, थ्री होगा। तो ये बात पॉइंट आपने जहन में रखनी है। अनदर पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जेड का मॉड्यूलस या उसका होल पावर एन हो तो ये जेड का पावर एन निकाल के आप इसे भी यूं भी दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं कंफ्यूज ना हो कि जेड इज इक्वल्स टू जेड पावर माइनस थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू ओनली। ठीक है, ये इक्वल है मेरा फोर प्लस फाइव ऑफ आयोटा होल पावर थ्री अपॉन टू। अब ये निकालना तो मुश्किल होगा, तुम घबराने की जरूरत नहीं, आपने क्या करना है, यहाँ पर थ्री अपॉन टू है, यहाँ पर थ्री अपॉन टू है, तो ये कंडीशन आपको दी हुई है, तो इसके लिए आप क्या करें, इस कंडीशन जस्ट जेड एन टू है थ्री अपॉन टू। ठीक है, इस कंडीशन में लेके आए, पहले इसका निकालें मॉडुलस, रेडिकल मॉडुलस फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर दे दें थ्री बाय फोर, यानी कि दिस कुड बी इक्वल्स टू फोर का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एंड फाइव का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सॉरी, एंड प्लस ट्वेंटी फाइव होल पावर इस रेडिकल का अपान वन अपान टू, और ये ऑलरेडी थ्री अपान फोर, दिस कुड थ्री अपान दैट इज थ्री अपान टू सॉरी थ्री अपान टू, दिस कुड बी थ्री अपान फोर। अब यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 41 एंड होल पावर 3 अपॉन 2 3 अपॉन 4 इज द मॉडुलस ऑफ अबव क्वेश्चन। सो मेरे ख्याल से ये भी बात आपको समझ आ रही होगी। एक और चीज़ होती है कि 1 अपॉन z किसके इक्वल होता है, आप हमेशा ऐसे नंबरों को रेशनलाइजेशन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें आप रेशनलाइजेशन करें, जेड कॉन्जुगेट लिख के अपान जेड का आप स्क्वायर ले लें, मॉड्यूलस का स्क्वायर ले लें, किसका, मॉड्यूलस का, ये इसके इक्वल भी होता है, दिस इज ऑल्सो रेशनलाइजेशन। तो मॉड्यूलस कभी हमारा नेगेटिव नहीं होता। ये थी कहानी, छोटी सी कहानी थी अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यूज, जिसमें हमने आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट की डेफिनेशन लिखी और उसका एक एग्जांपल दिया, एंड देन वी कम ऑन द सर्टेन एमसीक्यूज इन द पॉइंट्स, कुछ के एग्जांपल्स हमने आपको दिए लेकिन कुछ के एग्जांपल्स हमने यहाँ पे रोक के रखे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ गई हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू जो है मेरे ख्याल से ख़त्म हुआ, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ज़रूर रह गई होगी, तो ज़रूर आप लोग जो है वेरीफाई करें, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस मॉड्यूलस के बारे में। अब फिर हम चलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की ओर, वो क्या होते हैं, आए उसे डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कैसे, अर्गान का एक मेथड है। तो मैं यहाँ पे यूँ कहूँगा अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b, z किसके इक्वल होता है, a प्लस आयोटा ऑफ b, कैन बी एक्सप्रेस इन द ऑर्डर पेयर, कैन बी एक्सप्रेस्ड
in a order pair. Order pair, आप लोगों को पता है कि order pair क्या होती है. Order pair form, अब हमने क्या करना है, form z is equals to इसका ही a कामा b ले लेना है. क्यों, आयोटा को आप हटा देंगे, ऑर्डर पेयर में तब्दील होते हैं. तो इस के बाद अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, मस्ट रिमेंबर यहां पर इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस कहते हैं. ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो कम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा. लेट सपोज इट इज अ पॉइंट ए एंड इट इज अ पॉइंट बी ऑफ वाई. यहां पर एक पॉइंट बनी है ऑफ ए एंड बी, दिस इज कॉल्ड ए कामा बी. ठीक है, ए कामा बी व्हिच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. लेकिन अगर ये ओरिजिन्स के साथ कनेक्टेड है, किसके साथ, ओरिजिन के साथ, तो हम इसे फिर क्या कह देते हैं, हम इसे कहते हैं जेड मॉड. याद रहे कि जेड मॉड को आप, अगर आपके पास ये विथ रेस्पेक्ट ओरिजिन के साथ कनेक्टेड है तो जेड मॉड आप लोगों के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल होता है. हाँ, मेरे ख्याल से दिमाग में बात आ रही है. तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं अर्गन डायाग्राम. ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अर्गन डायाग्राम. मेरे ख्याल से आप लोगों को यही बात समझ आ गई. अब इससे ही कॉन्सेप्ट आएगा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट का. तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होती हैं, आए उन्हें डिस्कस करते हैं. पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. घबराना नहीं, क्योंकि आपको थोड़े वक्त के लिए शायद ये समझ ना आए, लेकिन ग्राफ जैसे ही बनेगा आप लोगों को ये जहन में बढ़ जाएगा कि ये पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है. तो चलें हम पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ मायदा होते हैं. सो याद रखिए, कंसीडर अ पॉइंट, डेफिनेशन है पहले, consider a point, एक पॉइंट आप लोग कंसीडर कर लें जिसे मैं नाम देता हूं P of x comma y. इसे क्या नाम दे दें आप, P of x comma y in the xy plane, in the xy plane. ये हम पीछे क्यों हो जा रहे हैं, जैसे आप डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ सकें. तो हम यहां पर एक कहेंगे ड्रा अ पीएम परपेंडिकुलर इन एक्स एक्सिस. ड्रा अ पीएम परपेंडिकुलर तो एक्स एक्सिस की तरफ आप एक पीएम का परपेंडिकुलर बनाइए. ठीक है, एंड ज्वाइन विथ ओपी, एंड ज्वाइन ओपी एंड ज्वाइन, ग्राफ बनेगा आपको सारी जहन में बने. ज्वाइन ओपी, ओपी को आप ज्वाइन कीजिए ओरिजिन एंड पी को, एंड लेट OP इज इक्वल्स टू R. OP को आप क्या नाम दे दीजिए, R का नाम दे दीजिए इन द मॉडुलस. एंड एंगल MOP को आप नाम दे दीजिए थीटा. अब डेफिनेशन समझ तो आई नहीं, चले आए इसे ड्रा करके हम समझते हैं कि ये कहानी क्या है. देखें दे बेटा, बड़ी सादी सी कहानी है, सादी सी बात है, आप लोगों ने इसे थोड़ा गौर समझना है. इसने कहा था कि कंसीडर अ पॉइंट पी ऑफ एक्स कामा वाई.
ड्रा इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन ड्रा पी एम। इसका मकसद कि आप लोगों ने यहाँ पर पी रखना है और यहाँ पर एम रखना है और ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। आप इसे ड्रा करें परपेंडिकुलरली, ड्रा किया आपने ओके परपेंडिकुलरली टू द एक्स एक्सिस। ज्वाइन ओ पी, व्हाट इज ओ, ओ इज ओरिजिन, मस्त मिलेगा वो क्या है ओरिजिन। इसे आप इस पॉइंट को ज्वाइन कराइए, तो आपने ज्वाइन कराया ओपी को ज्वाइन किया एंड लेट ओपी जो मॉडुलस, ये मॉडुलस होता है याद रहे, हाँ अभी अभी हमने डिस्कस किया ओपी का मॉडुलस, यानी कि इसको नाम दे दीजिए आप आर का, इसका नाम दे दीजिए आर का। और इसने कहा ये क्या है आपके पास, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ वाई, बिकॉज यहाँ से ये चीज़ बनी फ्रॉम ये, तो ये हमारे पास पी की तरफ पॉइंट बनी, तो पी इज नथिंग बट एक्स कॉमा वाई। इसने कहा क्या कहा, एम एम ओ पी, यानी कि जो बीच वाली चीज़ होती है इसे एंगल कहते हैं, यहाँ पे आप नाम दीजिए थेटा। ये टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, आप बड़े गौर समझिएगा, आप नाम दे दिया थेटा। अब इस कहानी से हमें क्या मिलेगा, इस कहानी से हम पोलर कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन बनाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है साइन थेटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री है। अब यहां पर परपेंडिकुलर बनी है तो 90 के सामने जो चीज होती है दैट इज हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा क्या होता है बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा, तो 90 के सामने थीटा के एंगल के मुताबिक हाइपोटेन्यूस सॉरी परपेंडिकुलर मेरा क्या है वाई, तो मैं ऐसे लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज वाई बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू एंगल अपोजिट एंड उसके सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस लेकिन एंगल के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट वाई अपॉन व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज आर, आर इज द हाइपोटेन्यूस। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि वाई आप आर को उस तरफ ले जाएं, दिस कुड बी आर ऑफ साइन थेटा। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनी, आप इसे जहन में रखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी पॉइंट की ओर। अगर मैं यहां पर कहूं कि cos theta is equals to base upon hypotenuse, well known formula, आपने कभी फिजिक्स में कहीं पे भी ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, यहां पर cos theta तो एक ही चीज है लेकिन बेस क्या है, बेस तो x है x, hypotenuse is what r r, इसे मैं लिखना चाहूं तो x is equals to r of cos theta लिखूंगा, लिख दिया मैंने। हाँ, अब ये एक और चीज इसके साथ ही, वो क्या, आप लोगों को कुछ चीजें पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में ब्रीफली बताएंगे, नीचे चलें हम तो। जैसा कि आप एक चीजों को जानते हैं, कौन सी चीजों को जानते हैं कि z इज इक्वल्स टू व्हाट, z इज इक्वल्स टू x प्लस, हम कभी कभार यूं भी लिख देते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b, ना लिखिए आप इसे x और y के फॉर्म में लिखिए x प्लस आयोटा ऑफ y। अब x का वैल्यू आपने क्या निकाला, y का वैल्यू आपने क्या निकाला, ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है, तो x का वैल्यू आपने निकाला है r ऑफ cos थीटा, y का वैल्यू निकाला आपने r ऑफ sin थीटा। तो आप लोग क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू x का वैल्यू r ऑफ cos थीटा एंड प्लस iota, y का वैल्यू क्या निकाला r ऑफ sin थीटा। आप इससे r कॉमन ले लें, दिस इज r इज इक्वल्स टू r ऑफ cos थीटा एंड प्लस iota ऑफ sin थीटा। हाँ, आपको याद रहे कि R हमने लिया था O और P को, दैट इज अ मॉडुलस,
इसका, तो इट मींस आर इज इक्वल्स टू जेड मॉड, और जेड मॉडुलस इसका अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इट मींस आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। तो आर का वैल्यू हमारे पास यही होता है। तो ये थी छोटी सी कहानी जिसे हम पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब इसकी एंगल निकालने का तरीके अमल भी हम समझेंगे। दूसरी बात, इस पूरे सिस्टम को हम सिस थेटा भी कहेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ ज़रूर देंगे। सिस थेटा इज इक्वल्स टू आर इनटू द ब्रैकेट ऑफ कॉस थेटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थेटा। ठीक है, चलें अब हम ये चीज़ हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ी, लेकिन अब ये है कि इसके एंगल्स कैसे पढ़ेंगे, आए उसे डिस्कस करते हैं, फिर ये हम डी मार्गिस थ्योरम में इनके एमसीक्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। चलें हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी अभी हम डिस्कस करके आए, क्या डिस्कस करके आए भाई, अभी अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस की कि मेरा वाई जो होता है वो वाई क्या होता है, आर ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा इसे आप इक्वेशन नंबर वन कह दें। एंड एक्स क्या होता है, आर ऑफ कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर टू कह दें। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन वन बाय टू। वन को किससे डिवाइड करें, टू से डिवाइड करें, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू आर ऑफ साइन थीटा अपॉन आर ऑफ कॉस थीटा। आई मीन आर आर में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या होगा, साइन अपॉन कॉस दैट इज नथिंग बट टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स है। अब यहाँ पे थेटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, अगर मैं उसको इस तरफ ले आऊँ तो इससे हमारी एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक एग्जांपल पोलर कोऑर्डिनेट पे आप करवाया जाए, मेरे ख्याल से वो क्या क्वेश्चन ही करवाया जाए, जेड इज इक्वल्स टू वन प्लस और रेडिकल थ्री ऑफ आयोटा को आप पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कीजिए। जेड इज इन पोलर कोऑर्डिनेट, तो आप बताइए इसका राइट इन पोलर कोऑर्डिनेट। मैं यूं ही सिंपल में कह देता हूँ, राइट इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में बताइए किसके इक्वल होगा। अब पोलर कोऑर्डिनेट का हमें पता है कि जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थेटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थेटा, और ये मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर मालूम क्या करना है, दो चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले आर, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, थेटा एंगल, तो बड़ी आसान सी चीज़ है। एंगल को मालूम करने के लिए अभी हमने यही फार्मूला ड्राइव किया, थेटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। व्हाट इज वाई, वाई इज रेडिकल थ्री। y क्या है मेरे पास, रेडिकल 3। एंड व्हाट इज x, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं tan इनवर्स यहाँ पर 1 रेडिकल 3 और उसके नीचे 1 दे दूँ, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 डिग्री के इक्वल है। जैसा कि आपको पता था r इज इक्वल्स टू mod ऑफ z है, सॉरी रेडिकल नहीं mod, तो यानी कि दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। व्हाट इज द एक्स, एक्स इज 1 प्लस रेडिकल 3 का वाई है स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3, एंड दिस कंप्लीट आंसर वुड बी 2। आप यहां पे एंगल के अंदर रख दें तो आपके पास जेड इज इक्वल्स टू आर, आर इज व्हाट, आर इज 2। What is cos? Cos of 60 degree plus iota of sine of 60 degree. ठीक है, radical 3, tan inverse का हमारे पास क्या होता है, 60 degree होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई। तो ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट में से कन्वर्ट किया, और इसे हम sis 60 degree भी कह सकते हैं, 2 of sis 60 degree।
ठीक है। बहरहाल मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं डीएमटी रूल की तरफ। वो डीएमटी क्या होता है? डी मॉर्विज थ्योरम। और उसमें क्या चीज़ें होती हैं, आए उसे हम डिस्कस करते हैं कि डी मॉर्विज थ्योरम हमारे पास क्या होता है। चले सादा सा कॉन्सेप्ट है। इफ एन, छोटी सी एन, एन बिलोंग्स टू एनी नंबर हियर, इफ एन इज अ पॉजिटिव आर नेगेटिव आर रेशनल नंबर, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, वन ऑफ वैल्यू, इनमें से कोई भी वन ऑफ वैल्यू, तो हमारे पास ये क्या होता है? स्टेटमेंट कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा के ऊपर एन हो तो ये इक्वल हो जाता है कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन एन थीटा के इक्वल हो जाता है। मस्ट रिमेंबर, इसका मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा। एग्जांपल, कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस आयोटा ऑफ साइन 30 डिग्री, इसके ऊपर आप 3 दे दें पावर। अब ये है कि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्विज थ्योरम इस एन को हमने क्या किया, एंगल से मल्टीप्लाई किया, तो इसे भी यूँ करना चाहिए। कॉस ऑफ 3 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 एंड प्लस आयोटा ऑफ साइन 90, आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक पॉइंट है कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0 एंड प्लस आयोटा साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, तो ये किसके इक्वल होता है? आयोटा की। किसके इक्वल होता है? आयोटा की। इट मीन्स इफ आयोटा इक्वल्स टू रेडिकल माइनस 1 एंड आयोटा कुड बी कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा की जगह मैं 30 डिग्री दे दूं तो ये इसके इक्वल होता है। एमसीक्यूज में पूछ भी सकता हूँ वर्कशीट के अंदर। अब इसके बहुत सारे अकसाम होते हैं, चले आए उसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये मेरे ख्याल से बड़ा आसान सा वैल्यू तरीका है कि आप किसी भी डी मॉर्विज थ्योरम का अगर कोई सवाल दिया हो तो आप उसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में कि अगर आपके पास कॉस थीटा 1, कोई भी एंगल थीटा 1 एंड प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा 1, ये इक्वल हो जाता है किसके, सॉरी इनटू द, अगर दूसरी ब्रैकेट में लगा दूं, कॉस थीटा ऑफ 2 माइनस आयोटा ऑफ साइन थीटा ऑफ 2, ये इक्वल हो जाता है हमारा किसके, दोनों प्लस ले लें आप, कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू द प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये बेसिक अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपके पास तो ये चीज़ें आपके पास उमूमन आ जाएंगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जस्ट इट इज़ अ फार्मूला। इस पर अगर मैं एग्जांपल करना चाहूँ, एग्जांपल के कॉस ऑफ 90 डिग्री, 90 छोड़ दें आप, 30 कर दें, एंड प्लस आयोटा ऑफ साइन 30 डिग्री को अगर मैं पूछूं कॉस ऑफ 60 डिग्री आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री, मल्टीप्लाई करें किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपकी कॉस के एंगल्स को आप प्लस कर दें, साइन के एंगल्स को आप प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 30 एंड 60 90 डिग्री,
आयोटा साइन ऑफ 90 डिग्री. तो ये 90 मीन्स जीरो एंड प्लस आयोटा ऑफ जीरो वन साइन 90. तो दिस इज इक्वल्स टू आयोटा. ठीक है, अब इसके और एग्जांपल्स मैं नहीं करवाऊंगा, जस्ट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर आपके पास कॉस ऑफ थेटा वन प्लस आयोटा ऑफ साइन थेटा टू आ जाए, प्लस की हमने करवा ली, अब हम माइनस डिवीजन की तरफ चलते हैं. प्लस में इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थेटा ऑफ टू प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ थेटा ऑफ टू. तो ये किसके इक्वल हो जाती है, ये इक्वल जो हो जाती है हमारी कॉस ऑफ थेटा वन माइनस थेटा टू एंड प्लस आयोटा ऑफ साइन थेटा वन एंड माइनस थेटा टू. मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ आ रही होंगी. अगर कभी भी एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई होल पावर इन हो, कोई भी नंबर, इसमें आपको घबराना नहीं है, ये इक्वल हो जाता है आर पावर इन इंटू कॉस ऑफ थेटा सॉरी इन थेटा एंड प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ एन थेटा की. ठीक है, आर क्या है, आप सबसे पहले मॉडुलस निकालिए इसका, उसके ऊपर पावर दे दी, और इसमें आप एंगल की जगह एंगल को इन से इन थ्री से मल्टीप्लाई करें, पहले इनकी एंगल निकाली जो अब निकाली थी, और उसमें फिर ये आप पावर दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता. और फिर लास्ट एंड लीस्ट पॉइंट, वो क्या है लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, वो मेरे पास अगर मैं थेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवीजन करूं, तो डी मार्विज में किस तरह से होते हैं, एक्स वन प्लस आयोटा ऑफ वाई वन अपान एक्स टू प्लस आयोटा ऑफ वाई टू होल पावर इन इज इक्वल्स टू आर पावर इन एंड आर पावर टू ऑफ इन. ठीक है, और ये मेरे पास हो जाते हैं इक्वल्स टू कॉस ऑफ इन इंटू थेटा वन प्लस थेटा टू प्लस आयोटा ऑफ साइन इन थेटा वन प्लस थेटा टू और इस तरीके, एंड दिस इज प्रूफ्ड. तो यानी कि हमने डी मार्विज थ्योरम आपके सामने उसके कुछ पॉइंट्स रखी, जारी बात है अब इसे मैंने डिफाइन नहीं किया इतना लास्ट पॉइंट्स को, आप इसे अपने ऊपर वाले सवाल से जो हमने इसे किया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जांपल किया हुआ है कि नीचे की चीज़ें ये वाली दोनों चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले मैंने मॉडुलस ऑफ आर निकलवाया था उस तरीके से, एग्जांपल्स आर आप सबसे पहले आर का मॉडुलस निकालिए और फिर आप इन तरीकों से ले सकते हैं. मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और फिर इसके बाद जो आने वाली वर्कशीट है उसे सॉल्व कीजिए और हमें ईमेल बैक कीजिए उसकी की जो आपके लिहाज से ठीक हो. फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप तफी को दीजिए इजाज़त, चलते हैं फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग.